और मेरे अंदर जब दुष्ट आत्मा थी तो मेरे को क्या नाम है कि मेरे देवर का बाथरूम करके फाइबर वाले गिलास से एक गिलास पिलाए थे और एक हफ्ता तक मेरे को उसी की ढिगार आती रही। फिर बंदर की हड्डी मुंह में। कैसे कैसे दुष्ट आत्मा थी? हाँ, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए मेरे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए देवर की बाथरूम पिलाए थे पेशाब। आपके देवर का पेशाब? हाँ, गिलास में डालकर। हाँ, फाइबर वाले गिलास में, एक गिलास फाइबर वाले गिलास में एक गिलास आपको पिलाया? पिला दिया था। एक हफ्ता उसी का ठिकार आती रही बाथरूम की। आप जरा सोच सकते हैं ये बात? मैंने भी ये पहली बार सुना है। दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए इसके देवर का पेशाब ग्लास में डालकर, जैसे वो बता रही बच्ची, तो इसको पिला दिया। उससे भी नहीं निकला तो बंदर की हड्डी मुंह में डाल डाल के हिला रहे थे, मुंह से खून भी आ गया। कि नहीं, बंदर की हड्डी कितनी बड़ी, कैसी? इतनी बड़ी हड्डी थी और इतनी मोटी सी। इतनी बड़ी बंदर की हड्डी? हाँ। तो बंदर की हड्डी कहाँ से मिलती? वो कोयलरी में रहते थे ना कलकत्ता में, वहाँ से। वो तांत्रिक वाला काम करते थे तो अपने पास रखे थे। अच्छा, तांत्रिक वाले थे तो वो हड्डी को मुंह में डाल के ऐसे हिला रहे थे कि दुष्ट आत्मा निकल जाए मुंह में। अच्छा, फिर भी नहीं उन्होंने छोड़ा, दुष्ट आत्मा नहीं निकली। मैं मुंह से खून आ गया, मैंने कहीं मैं मर जाऊंगी, मेरे को छोड़ दो। फिर भी नहीं छोड़ रहे थे मेरे को। दो तीन जने पकड़ रखे थे, मुंह में डाल डाल के हिला रहे थे। अच्छा, दो तीन जन पकड़ लेते थे और हड्डी मुंह में, बंदर की हड्डी मुंह में हिलाते थे। हाँ, मुंह में। तो मुंह से खून निकलता था? हाँ, मुंह से खून निकल गया। तो दूसरे को देखा का छोड़ दो, वो मर जाएगी नहीं तो। फिर वहाँ से मेरे भाई मेरे को फिर कहे कि इसके दुष्ट आत्मा, 6-7 तांत्रिकों के पास ले गए, फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद मेरे ससुर कहते इसके बलि दे देते, इसको ही खत्म कर देते दुष्ट आत्मा के साथ। तो अच्छा, दुष्ट आत्मा के साथ तेरे को बलि कर देते हैं? हाँ, मेरे को बलि दे देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। और फिर उनका रात को बीमार पड़ गए, फिर मेरे बलि नहीं दे पाए। मैं सुबह डर गई थी, फिर भैया के पास फोन करी, फुआ का लड़का था, वो आकर मेरे को ले गए फिर घर पे अपने। 10-15 दिन रखे, फिर उन्होंने तांत्रिक के पास ले गए। फिर मेरे को कहा तू गंगानगर चली जा, तू यहाँ पर मर जाएगी। फिर मैं गंगानगर में आई, फिर यहाँ के लोकल लोग थे, मेरे बाल पकड़ के ऐसे रस्सी की तरह लपेट के रोड पे घसीटते हुए लेके जाते थे। लोग देखते थे, कहते थे इसको क्या हुआ, इसको इसके क्यों घसीट रहे हैं, तुमको नहीं पता इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। फिर भी नहीं से ठीक हुई। फिर अस्पताल में भर्ती हुई, फिर डॉक्टर ने बोला कि ये मर जाएगी तो इसको, इसके बच्चे के लिए 1,00,000 रुपया हम दे देंगे कोई मर जाएगी तो। फिर वहाँ से फिर मैंने यहाँ पर आई चर्च में, किसी ने बताया, फिर तब से मैं ठीक हूँ। मेरे को छोड़ती तो मेरे पति को छोड़ती तो मेरे बच्चे को, 6 महीने का मेरा बच्चा था। तो फिर जब से आप चमत्कार चर्च में आने लगे तो वो दुष्ट आत्मा भी निकल गई, सारी बीमारियां भी निकल गई, दुष्ट आत्मा भी निकल गई और बीमारियां भी निकल गई। मेरे बच्चों को भी छोड़ दी, मेरे पति को भी छोड़ दी यहाँ पर। okay. तो दुष्ट आत्मा आपके बच्चे को भी छोड़ गई, आपके पति को भी दुष्ट आत्मा छोड़ गई और आपको भी दुष्ट आत्मा छोड़ गई। हाँ, मुझे भी छोड़ दी। देखिए ये कितनी बड़ी गवाही है। जो लोग गवाहियों को सुनकर आनंदित होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में गवाही जो है वो गवाही प्रकट करते हैं, उनके जीवन में गवाही होती है। कैसी बड़ी बात है ये। लोग ये यहाँ वो इंदिरा है बहन एक, उसको तो काले कुत्ते की लेटरिंग की धूनी देते थे। धूनी देनी एक अलग बात है, और इसको तो उसके देवर का बाथरूम जो है पेशाब उसको पिला देते थे, दुष्ट आत्मा निकले। कितनी कितनी ये कैसी बात है, हद हो गई। कैसे बालों से पकड़ कर घसीटते थे, कितना बुरा हाल करते थे इसका। लेकिन किसी ने बताया कि आप चमत्कार चर्च में जाएं, और ये चमत्कार चर्च में आ गए, और इन्होंने जब मुझसे प्रार्थना करवाई, परमेश्वर मसीह जी ने बिल्कुल चंगा कर दिया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सब लोग परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें इस अद्भुत गवाही के लिए, धन्यवाद करते हैं। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उनके लिए जीऊंगी, उनके लिए मरूंगी मैं अब। यस, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।